वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश में हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1-5 सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फलन साइन एक्स डिग्री का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉरी से लिखते हैं, माना सबसे पहले फलन को हम y के बराबर लेते हैं। माना y बराबर साइन x डिग्री। सबसे पहले फलन को y के बराबर लिया जाता है तो क्या हो गया, y बराबर साइन x डिग्री। अब देखिए हम देखते हैं फलन को, हम किसको देखते हैं, फलन को देखते हैं। फलन में क्या है, फलन का फलन, ठीक है, फलन का फलन। तो पहले अवकलन किसका होगा, साइन का होगा। फिर ये मान ऐसा का ऐसा आएगा एक्स डिग्री। फिर अवकलन किसका होगा, एक्स डिग्री का होगा। तो हमें किसका मान निकालना होगा, एक्स डिग्री का। तो एक्स डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा, चूंकि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। और 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 1 डिग्री बराबर वही पाई रेडियन। किसका मान निकाल लें, 1 डिग्री का मान निकाल लें। तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स डिग्री। हमारे पास मान क्या आ गया, 1 डिग्री। एक्स 1 डिग्री को एक्स डिग्री बनाने के लिए गुणा किससे करें, x से करें। तो दोनों पक्षों को गुणा x से करना पड़ेगा। तो यह एक्स डिग्री बराबर हो गया पाई x बटा 180 रेडियन। कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों पक्षों में हमने गुणा किससे कर दिया, x से कर दिया। तो 1 तो हो गया एक्स डिग्री और यह हो गया पाई x बटा 180 रेडियन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए y ऐसा कैसा, साइन ऐसा कैसा। x डिग्री का मान हमारे पास में क्या आ गया, पाई x बटा 180 आ गया। रेडियन लगाने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए y का तो हो गया dy / dx, sin इसको मान लेते हैं x, पूरे को x मान लेते हैं। तो sin x का क्या होता है, cos x, x का मान रख दिया। फिर अवकलन किसका होगा, x का। और x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है पाई x बटा 180। किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। x का काम कौन कर रहा है, पाई x बटा 180। देखिए dy / dx cos पाई x बटा 180, इसको लिया हमने ब्रैकेट में। अब देखिए यहां पर x क्या एक चर पद है, जबकि पाई बटा 180 क्या है, अचर पद है। जब अचर पद की गुणा में चर पद होता है तो अचर पद को आगे ले लिया जाता है। और अवकलन किसका होता है, चर पद का। और चर पद का काम कौन कर रहा है, यहां पर x कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, dy / dx cos पाई x / 180 इंटू पाई बटा 180, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, एक हो गया। देखिए dy / dx इज इक्वल टू पाई बटा 180 को एक से गुणा करो, पाई बटा 180। अब cos पाई x बटा 180 ऐसा का ऐसा, तो ये आ गया आपका cos पाई x बटा 180। अब आप मेरे को ये बताइए ढंग से, पाई बटा 180 तो एज इट इज, cos ऐसा कैसा। अब ये बताओ स्टूडेंट कि पाई x बटा 180 किसका मान निकाला हमने, x डिग्री का। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, x डिग्री रख देंगे। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, राइट कर लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन। सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लोग अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। सवाल कह रहा है कि ये फलन है, फलन लोग अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस फलन को क्या मानेंगे? वाई के बराबर। तो माना वाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। सबसे पहले हमने इसको वाई के बराबर मान लिया। अब देखिए एक मिनट के लिए हम इसको x मान लेते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? log x, और log x का x x के सापेक्ष अवकलन होता है, एक बटा x होता है। लेकिन अगर हम इस विधि से करेंगे तो इसकी लंबी प्रोसेस होगी, तो क्यों ना हम इस फंक्शन को थोड़ा शॉर्ट कर लें। और आप जानते हो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ऐसी कंडीशन हो तो हर की संयुग्मी से अंश हर में गुणा करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू log आधार में e है वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। हर में क्या है? वन प्लस कोस एक्स है, गुणा किससे करेंगे? ऊपर नीचे वन माइनस कोस एक्स से, ऊपर भी वन माइनस कोस एक्स और नीचे भी हमने क्या लिया? वन माइनस कोस एक्स लिया। तो देखना ध्यान से, वाई इज इक्वल टू लोग अंडर रूट। अब बताइए वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स क्या हो गया? वन माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, बताइए वन प्लस कोस एक्स को गुणा करेंगे वन माइनस कोस एक्स से। आपने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो वाई स्क्वायर टू लोग ये तो ऐसा कैसा? बताओ बच्चों, आपने सरस्वती का पढ़ी है टेंथ क्लास में कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है। लोग ऐसा कैसा? अब बताओ इसके इक्वल कर रहे हैं, इसके आगे क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट कैंसिल होगा तो पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा ओनली 1 माइनस कोस एक्स। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स। इसको कर लेंगे हम सेपरेट। कैसे बच्चों? y इक्वल टू log फिर ब्रैकेट, बेटा एक बार ये sin x 1 के पॉन में आएगा और एक बार sin x cos x के पॉन में आएगा। जब ये sin x 1 के पॉन में आएगा तो 1 upon sin x, और 1 upon sin x क्या होता है? cos a का x होता है, माइनस है तो माइनस। cos x upon sin x क्या होता है? cot x होता है। अब कर देंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। ये हमारे पास में इस फलन इस फंक्शन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ये सुनो, इससे सिंपल है या नहीं? अब इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, y का अवकलन क्या होता है? dy upon dx। log के साथ ये वैल्यू है, इसको हम एक बार x मान लेते हैं। log x आप जानते हो log x का वन टाइम डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 by x, तो 1 बटा x, x का काम ये तो कर रहे हैं cos x माइनस cot x। ओके, फिर डिफरेंशिएट किसका होगा बच्चों? x का होगा। x का काम कौन कर रहा है? cos x माइनस कोटेक्स कर रहा है। ये सुनो, तो देखिए स्टूडेंट्स, dy upon dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक x माइनस कोटेक्स, ब्रैकेट में ले लिया। और देखिए इस कोसेक x का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक x टू कोटेक्स, माइनस कोसेक x इंटू
इनपुट एक्स। अब बताओ आगे साइन क्या है, माइनस है बेटा, आगे साइन क्या है माइनस है, तो क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। अब बताओ कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। आप जानते हो कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, फिर माइनस आगे दिया हुआ है, और कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स। बताओ बच्चों इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कोसेक एक्स, कॉमन आ रहा है कोसेक एक्स, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया कोसेक एक्स, तो बाहर आ गया, तो माइनस का कोट एक्स प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स में से कोस एक्स क्या है, तो कोस एक्स बच गया। ये लो अब बताइए इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। आप जानते हो ये कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और नीचे भी क्या है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट में आपके पास में क्या आ गया कोसेक एक्स। क्या है बच्चों ये दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और यहां पर लगाते हैं हम इंप्लाइज, क्या लगाते हैं इंप्लाइज, इंप्लाइज का मतलब होता है या, इसका अर्थ क्या होता है या। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेवन भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था सेवन था, ये भी आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर कौन सा एट है, फलन sec x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अभी आपने जो सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसे है sec x डिग्री, ठीक है देखिए ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फलन को लेते हैं y के बराबर, माना y इज इक्वल टू sec x डिग्री। बताइए फलन का फलन है किसका मान निकालेंगे x डिग्री का, 180 डिग्री बराबर क्या बताया था मैंने आपको पाई रेडियन, ये सुनो अच्छा। अब 180 डिग्री को क्या लिखेंगे 180 इंटू 1 डिग्री, तो बराबर में क्या हुई पाई रेडियन, किसका मान निकालेंगे 1 डिग्री का, तो उसे 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो पाई बटा 180, और ये हो गया रेडियन। ओके अब बताइए इस 1 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स डिग्री आ जाए एक्स से करेंगे, तो दोनों पक्षों को एक्स से करेंगे, ये तो एक्स डिग्री हो गया, और ये हो गया पाई एक्स बटा 180, और ये हो गया रेडियन। तो बेटा एक्स डिग्री का मान आपने क्या निकाल लिया, एक्स डिग्री का मान आपने निकाल लिया पाई एक्स बटा 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए वाई इज इक्वल टू सेक वैसा कैसा, एक्स डिग्री का मान आ गया पाई एक्स बटा 180। क्या करेंगे आप दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। बताइए वाई का अवकलन होता है डीवाई अपॉन डी एक्स। बेटा आप इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो एक्स मान लो, तो सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा सेक एक्स, sec x, x का मान क्या है पाई x बटा 180, डॉट tan x होता है वही x का मान कितना है पाई x बटा 180 इनटू फिर किसका करोगे आप थीटा का, मतलब x का करेंगे इसका, तो dy dx पाई x बटा 180। देखिए sec x, sec x का अवकलन sec x इनटू tan x, फिर इस x का अलग से करेंगे, तो देखिए dy upon dx sec pi x upon 180 as it is dot tan pi x upon 180 ऐसा कैसा। अब बताइए
पाई एक्स अपॉन 180 का डिफरेंशिएट मैंने क्या बताया था, एक्स का तो 1 हो जाएगा और ये ऐसा कैसा, तो ये हो गया पाई बटा 180 डीवाई अपॉन डीएक्स। अचर पद को आगे ले लेते हैं, पाई बटा 180 और ये सेट पाई एक्स बटा 180 और आगे क्या है टेन पाई एक्स बटा 180। देखिए स्टूडेंट्स डीवाई अपॉन डीएक्स पाई अपॉन 180 ये सेट, बताओ बच्चों ये किसका मान है, पाई एक्स बटा 180 एक्स डिग्री का मान है, तो ये हो गया एक्स डिग्री। ऐसे ही ये भी क्या हो गया टेन एक्स डिग्री, तो ये हो गया sec x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, log अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x का x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। तो अभी जो क्वेश्चन आया था 7 नंबर क्वेश्चन उसके जैसे ही है, लेकिन आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फलन क्या बोलूं log आधार में e है फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बताइए इस फलन को पहले किसके बराबर लेंगे, y के बराबर लेंगे। माना y इज इक्वल टू log अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसके बाद क्या करते हैं, वही तरीका है कि a प्लस बी बटा ए माइनस बी है, तो हर के संयुग्म में से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो y इज इक्वल टू log आधार में e है 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, बताओ बच्चों गुणा किससे करेंगे, नीचे माइनस साइन है तो अंश हर में किस साइन से गुणा करेंगे प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन इससे गुणा कर देंगे। देखिए y इज इक्वल टू log अंडर रूट, बताओ बच्चों 1 प्लस साइन x और 1 प्लस साइन x तो क्या होगा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा अपॉन, बताइए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए माइ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कैसे एक इस 1 को 1 से कहेंगे तो 1 ही आएगा माइनस प्लस माइनस साइन एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसके अगली कंडीशन क्या आएगी लोग अंडर रूट, बताओ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कैसे कैसा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर्वसमिका से कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये सुनो। तो देखिए आपने टेंथ में पढ़ा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो वाई इक्वल टू लॉग फिर अंडर रूट, अंडर रूट की जरूरत नहीं है हट सकता हो तो, कैसे देखिए बेटा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और रूट से बाहर आएगा तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स है बाहर आया तो कोस एक्स हो जाएगा, और क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको कर लेते हैं सेपरेट, कर लेते हैं सेपरेट कैसे होगा, देखिए ई कोस एक्स 1 टाइम 1 के बटे में होगा तो 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है sec x होता है, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, और sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x होता है, हो गया। तो क्या हो गया y is equal to log bracket sec x और प्लस क्या हो गया बच्चों tan x हो गया।
अब कर देंगे हम इसका अवकलन। देखिए ये एक फंक्शन था, इसको सोल्व किया तो एक सिंपल फंक्शन आ गया। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या भाई अवकलन। देखिए बच्चों यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ देखिए y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy upon dx होता है, y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy upon dx होगा। अच्छा अब देखना ध्यान से, आप log के साथ में क्या है, sec x plus tan x है, क्या बच्चों sec x plus tan x है, तो क्या होगा वन टाइम ये वन के फॉर्म में चला जाएगा, क्या आएगा sec x plus tan x हो गया, ब्रैकेट में ले लिया। अब बताओ डिफरेंशिएट किसका होगा, sec x plus इसी का डिफरेंशिएट होगा sec x plus tan x का। तो देखिए dy upon dx वन upon sec x plus tan x। अब बताइए बेटा इस sec x का अवकलन क्या होगा, sec x dot tan x, sec x का अवकलन होगा sec x dot tan x, और फिर tan x का क्या होगा sec square x होगा dy upon dx, ये मान दो सुनो। अब बताइए इस मान में कॉमन क्या है, इस मान में कॉमन sec x है, तो अंदर क्या बच गया tan x, और क्या बच गया sec x, आपने इसमें से sec x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया tan x plus sec x upon क्या बचो sec x plus tan x। बताइए इस मान से मान कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों sec x। ओके ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके राइट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, फलन लोग फिरोस्टो फॉर्म है x प्लस अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, तो हम क्या करते हैं यही पर इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ओके माना y बराबर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 y मान लिया। अब बड़ी बात देखिए ये लोग a बटा b, a बटा b के रूप में है नहीं, अगर आप इसको x मानोगे तो ये log x हो जाएगा, log x का x के सापेक्ष अवकलन 1 बटा x आएगा, फिर इसका दोबारा अवकलन होगा, एक लंबी प्रोसेस होगी। तो आपने ये नहीं पढ़ा लघुगुणक, क्या log a बटा b बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है log a माइनस log, आपने टेंथ आपने इलेवेंथ में पढ़ा था ना लघुगुणक, log a बटा b क्या होता है log a माइनस log b। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर टू log, ये तो log a हो जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log a हो गया, log a फिर माइनस log b हो गया इतना। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्टूडेंट्स आराम से करना, y का अवकलन होगा dy upon dx। अब बेटा इसको x मान लेते हैं वन टाइम, तो log x का अवकलन क्या होता है एक बटा वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको x मान लिया तो log x का वर्गमूल 1 बटा x हो गया, फिर किसका होगा x का, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर रहा है, बेटा कर रहा नहीं कर रहा, माइनस, ये क्या बच्चों अचर पद है, ये क्या अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, लोग एक अचर पद और अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, हमने इसको जीरो दिखा दिया। तो सुनिए dy / dx ये मान ऐसा कैसा, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखिए इसका अवकलन, x का अवकलन तो एक हो गया, प्लस रूट का अवकलन एक बार क्या होता है, 1/2 root होता है, बेटा रूट के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, जो भी चर पद रूट के अंदर होता है उसका एक बार अवकलन होता है 1/2 root होता है, और रूट के अंदर मान ऐसा कैसा हो गया, अब रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन तो 2x हो गया, और प्लस ए स्क्वायर का जीरो हो गया, तो जीरो को छोड़ दीजिए, तो इंटू में कितना हो गया, ओनली 2x हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy / dx इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, बताओ बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, इसका एलसीएम आ गया बेटा, इसका एलसीएम यही तो आएगा, अब देखो ये मान बेटा x से कम x हो गया, इसके बटे में ये है, प्लस 1 के बटे में 1 मान सकते हैं, तो इसका लघुत्तम यही तो आएगा, अब ये मान इससे गुणा हो तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ x, x गुणा x से क्या आएगा, x आएगा, ओके। देखिए dy / dx इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, बेटा क्या है वही है, तो इस x को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, क्या होगा, इस मान से मान कैंसिल हो गया, बेटा अंश की वैल्यू और हर की वैल्यू दोनों सेम है, तो बेटा कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा बताओ, dy / dx 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और यहां लगा देते हैं इंप्लाइज, ओके बच्चों, इसको राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं, तब तक के लिए बाय।